तेजस्वी यादव आप आगे बढ़ो, पूरे बिहार की जनता और पूर्वी चंपारण की जनता आपके साथ है। पढ़ाई लिखाई कमाई और रोजगार का उन्होंने वादा किया था। ये तेजस्वी यादव उभरते हुए आइकॉन बिहार के ही नहीं पूरे देश के युवा के चहेते हो चुके। सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह ऐसे कुछ लोग हैं जिनको बीजेपी किस लिए रखी है, उनका राजनीतिक कैरियर ही माननीय तेजस्वी यादव और माननीय हमारे श्री लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में बोलने पर उनका राजनीतिक कैरियर जिंदा रहता है। बीजेपी का ये रहा है कि जो जितना अटैक करेगा उसको उतना लेमन चूस दिया जाएगा, इसलिए उसी लेमन चूस को पाने के लिए ये लोग इस तरह की भाषा का यूज। तेजस्वी यादव लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। इस क्रम में देखिए सभी राजद कार्यकर्ता खास तौर से कार्यक्रम को सफल बनाने में, देखिए यहाँ पर विनोद श्रीवास्तव है जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पर देख सकते हैं संतोष जायसवाल जो राष्ट्रीय सचिव हैं, और तमाम तरह के कार्यकर्ता यहाँ पर राजद के देखिए टोपी और गमछे में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम विनोद श्रीवास्तव जी से बात करने का प्रयास कर लेते हैं कि आज का कार्यक्रम क्या रहा, क्या जनता फिर से तेजस्वी यादव पर विश्वास जताएगी। जिससे देखिए जब जब तेजस्वी यादव जी अकेला पूरा अपना तूफानी तेवर में आते हैं, 2020 में भी देश भर का हेलीकॉप्टर लग गया था, यहाँ 30-30 हेलीकॉप्टर लग गया था, और तेजस्वी यादव जी ने जब तूफानी दौरा शुरू किए और जनता ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया, उसी तरह जो आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, कल की भीड़ हो गई, पूरा रोड अस्त व्यस्त हो गया, और इस मौसम में खराब होने के बावजूद जो आया, मैं आपके माध्यम से अपने पूर्वी चंपारण के अपने नेता कार्यकर्ता तमाम लोगों को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं कि इस तरह के मौसम खराब होने के बाद, उसके बाद जो जनसैलाब उमड़ पड़ा, तेजस्वी यादव आप आगे बढ़ो, पूरे बिहार की जनता और पूर्वी चंपारण की जनता आपके साथ है, क्योंकि तेजस्वी यादव के तरफ ही अब बिहार की जनता कि आस लगी हुई है। समझ गया कि भाई बिहार में अगर कोई नौकरी देने वाला है, कोई जो आदमी कमिट किया है, उन्होंने 2020 में वादा किया था पढ़ाई लिखाई कमाई और रोजगार का उन्होंने वादा किया था, जैसे उनको मौका मिला उप मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने अपना दिखा दिया कि काम कैसे होता है, क्योंकि 17 साल सरकार रही भाजपा और जेडीयू का, और मात्र इनको 17 महीने का मौका मिला, और 17 महीने में जिन्होंने दिखाया है, इस चंपारण को भी काफी कुछ उन्होंने दिया है स्वास्थ्य विभाग से, इस चंपारण को भी बहुत कुछ, उनका जो झील में बोटिंग करने का जो प्लानिंग था पर्यटन के विभाग के द्वारा, जो तुरंत शुरू भी हुआ था, इसलिए उन्होंने दिखा दिया, इच्छा शक्ति की जरूरत है कि ये तेजस्वी यादव उभरते हुए आइकॉन बिहार के ही नहीं पूरे देश के युवा के चहेते हो चुके, इसलिए इस बार बिहार में आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, पूर्वी चंपारण तो पूरा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार जो भी रहेंगे जीत सुनिश्चित है। यहाँ की जनता भी इस बार मन बना ली है कि भाई हम लगातार ये 3-4 टर्म से यहाँ जो अभी वर्तमान में सांसद है उनका कार्यकलाप देख लिया है लोग, यहाँ की जनता, हम लोग भी गांव गांव में घूम रहे हैं लगातार, चूँकि हम भी यहाँ 10-12 साल से मेहनत किए हैं, पूर्व में चुनाव लड़े थे, हम भी एकदम नीचे गाँव गाँव गली गली जाते रहते हैं, और लोगों का जो आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है, हमें मिल रहा है, या पार्टी के प्रति जो देख रहे हैं लोगों का रुझान बढ़ा है, लोगों का इच्छा इस बार है कि भाई यहाँ से भी बदलाव की ज़रूरत है, और यहाँ से बदलाव के बिहार 24 में ही दिखने लगेगा, और जिसका शुरुआत आज ही लग रहा था, आगामी जो है 2024 में बिहार में पूरा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन जो है सो यहाँ 40-40 सीट लाने का मैंने स्वीप करेगी, और 25 में तेजस्वी यादव पर आस्था करते हुए 200 सीट विधानसभा के जीतेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय। श्रीवास्तव जी, 3 विधायक आपके पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और एनडीए के सरकार बनाने में उन्होंने अहम भूमिका अदाई, जिसमें चेतन आनंद जो शिवर विधायक है और अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह, क्या कुछ कहेंगे, क्या मजबूरी रही उनको पार्टी छोड़ने की? हमारे नेता ने भी कहा और हम लोगों ने भी कहा कि किस मजबूरी में पार्टी छोड़े हैं, किस तरह से उनको प्रताड़ना किया गया, उनके पिताजी को प्रताड़ना किया गया, किस तरह से हमारे विधायकों को दिल से उधर नहीं है, दिल से इधर ही है, लेकिन किस प्रताड़ना में उधर गए हैं ये पूरा बिहार जानती है, इसलिए वो उनका जाना जो है सो ऊपर मन से है, बाकी तो
वो एन केन पर केन पूरा भारत सरकार बिहार सरकार हर स्तर से लग गया था, लेकिन तेजस्वी यादव दिखा दिया कि अकेले वो अपना पूरा मैनेजमेंट दिखा दिया कि पूरा देश की शक्ति लग गई थी कि भाई बिहार में खेला तेजस्वी यादव करने जा रहा है, अकेला हो ही जाता, लेकिन अकेले तेजस्वी जी कम से कम हिला तो दिए जिसकी देश की कान खड़ा हो गए, बिहार का कान खड़ा हो गया। क्या फिर से नीतीश कुमार जी के लिए या आपके जो विधायक दूसरी पार्टी में दल को बदले हैं, क्या मौका मिलेगा उनको, दरवाजा खुला हुआ है राजद के लिए? हमारे तो वो कहे तो पहले ही कि मजबूरी में उधर गए हैं, उनकी मान सम्मान आज भी हम लोग पार्टी में दे रहे हैं देंगे, और पलटू राम जी का कोई उनका ठीक नहीं है कि कब किधर मूड बना लेंगे, इसलिए पलटू राम जी कभी भी पलट सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। देखिये संतोष जायसवाल है जो राष्ट्रीय सचिव है राजद के, क्या विश्वास फिर से वही होगा? मीडिया बंधुओं को सब पता है, आप देख रहे होंगे कल मुजफ्फरपुर का प्रोग्राम, उसके बाद सीतामढ़ी का प्रोग्राम, शिवहर का प्रोग्राम, जिस तरीके से जन सैलाब उमर रहा है, जिस तरह से हमारे नेता को सुनने के लिए गांव से लेके शहर से लेके देश राज्य के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, जगह कम पड़ जा रहा है, एकदम रोड पैक्ड, तो आप लोग को तो सारा चीजें दिख रही है मीडिया, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में पैक्ड है, और हमारे नेता को बिहार की जनता का आशीर्वाद 2020 में भी मिला था और इस बार डबल मिलेगा, और कहानी बाकी एनडीए वनडीए कहीं नहीं है, ये लोग सब सुपड़ा साफ। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनका स्टेटमेंट आ रहा है, दो लुटेरे बिहार को लूटने निकले हैं जिनका परिवार ने बिहार को लूटा है। सम्राट चौधरी, ये गिरिराज सिंह ऐसे कुछ लोग हैं जिनको बीजेपी किस लिए रखी है, उनका राजनीतिक कैरियर ही माननीय तेजस्वी यादव और माननीय हमारे श्री लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में बोलने पर उनका राजनीतिक कैरियर जिंदा रहता है। अगर इस तरह का क्रियाकलाप वो ना करें तो उनकी पार्टी उनको बिठा देगी। एक पुराने नेता थे सुशील मोदी जी, उनको रिटायरमेंट दे दिया क्योंकि उनके बातों में अब धार नहीं था, अब इनके बातों में थोड़ी धार है, यंग है, हमारे ही कॉलेज से निकले हुए, हमारे ही नेता के साथ में काम करके। तो बीजेपी का ये रहा है कि जो जितना अटैक करेगा उसको उतना लेमन चूस दिया जाएगा, इसलिए उसी लेमन चूस को पाने के लिए ये लोग इस तरह की भाषा का यूज करते हैं। फिलहाल इतना ही, तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए एसटीवी न्यूज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बहुत धन्यवाद।